देश को आजाद हुए 77 साल हो चुके हैं, लेकिन कई गांव आज भी मूलभूत सुविधाओं से जूझ रहे हैं। मध्य प्रदेश के अशोकनगर जिले का मुड्रा कला गांव इसका एक जीता जागता उदाहरण है। यहां सड़क नहीं होने की वजह से ग्रामीणों को रस्सियों के सहारे नदी पार करनी पड़ती है। अशोकनगर जिले के पिपरई तहसील अंतर्गत स्थित मुड्रा कला गांव जिला मुख्यालय के मात्र 45 किलोमीटर दूर है और यहां की आबादी लगभग 100 है। यह गांव दो नदियों से घिरा हुआ है और सड़क न होने की वजह से ग्रामीणों को नदी पार कर दूसरे छोर तक जाना पड़ता है। ग्रामीणों ने दोनों तरफ बांस लगाकर उन पर रस्सी बांधी है। जरूरत पड़ने पर ग्रामीण इन्हीं रस्सियों पर लटक कर नदी पार करते हैं, जिससे उनकी जान हर वक्त जोखिम में रहती है। सोशल मीडिया पर ग्रामीणों ने इस तरह की नदी पार करने के वीडियो तेजी से वायरल हो रहे हैं। ग्रामीणों ने विधानसभा और लोकसभा चुनाव के दौरान जनप्रतिनिधियों का ध्यान इस ओर आकर्षित करने की कोशिश की। उन्होंने चुनाव में वोट न डालने की भी चेतावनी दी। अफसर आए और आश्वासन मिला, लेकिन सड़क नहीं बन सकी। राजपुर से बामोरा तक पक्की सड़क है, लेकिन राम पहाड़ी गांव तक पहुंचने के लिए नदी पार करनी पड़ती है। किसी के बीमार होने पर उसे जो खटिया पर लाद कर ले जाना पड़ता है, जिसे जान हमेशा खतरे में रहती है।